गोपाल मंडल जी की अध्यक्षता में हो रही है साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बता दें कि दरभंगा जिला में भीम संवाद भीम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा पहुंचे और संजय झा ने क्या कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में और क्या कहा है दरभंगा जिला के बारे में, वो हम आपको उनके इंटरव्यू में सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी दे दें कि डॉक्टर खासकर जो संजय झा हैं उनके साथ देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं वो संजय कुमार झा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनके साथ यहाँ पर देख सकते हैं मदन सहनी जो समाज कल्याण मंत्री है, यहाँ पर अजय चौधरी जो बेनीपुर विधायक हैं, यहाँ पर सरफराज जो पूर्व विधायक हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और खासकर जो राम प्रवेश पासवान हैं जो बलहा निवासी जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी नेताओं के बीच पूर्व विधायक जो जाले से थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो जिला के हैं दरभंगा जिला के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग मौजूद हैं। बहरी से आए हुए क्षेत्र बहरी के हैं या फिर हायाघाट क्षेत्र के हों या फिर जाले क्षेत्र के हों, दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान के हों, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और भव्य रूप से यह चौपाल सिर्फ और सिर्फ 17 वर्षों के कामकाज को गिराने के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को जो पहले नहीं गिनाया जाता था, तो पहले कभी नीतीश कुमार ने कभी गिनती नहीं कराया कि हमने क्या काम किया है। संजय झा का ये कहना है कि हम अब चौपाल के माध्यम से, संजय झा ने कहा है कि हम नीतीश कुमार के कामों को याद दिलाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री जी के रहते हुए किन कामों को किया गया। लोगों को ये नहीं याद है कि मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों के लिए साइकिल दिया है, आज भी साइकिल अगर मिल रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने आज किया है, देख सकते हैं भीम संवाद भीम चौपाल में। यहाँ पर जो पौराम निवासी हैं जदयू के महासचिव हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। वो बात हम लोगों के बीच में पहुँचाते हैं। 17 साल का रिकॉर्ड देखिए, जिस भीम चौपाल की बात कर रहे हैं, पंचायत में कौन आरक्षण दिया हुआ, ये जो मुखिया पंचायत समिति जिला परिषद जीत के आ रहे हैं सप्लाई कर, पहले तो आरक्षण भी नहीं था। अब पढ़ाई में बाबा साहब का कहना था शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होता है, और जिस हिसाब से उस वर्ग में जा कर के शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए काम, जितना स्कॉलरशिप मिलता है, जितना उनको हर एक जिला में आज विकास कम्युनिटी के लिए छात्रावास बनाया है, अनाज दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बीपीएससी और सिविल सर्विस के परीक्षा में उनको पास प्रीलिम्स पास करते हैं उनको एडिशनल पैसा दिया जाता है, खास करके शिक्षा के लिए तो क्रांतिकारी काम होता है। आजीविका दीदी का इतना बड़ा फोर्स बना है, ज़्यादातर तो उसी बैकग्राउंड से जो महिलाएं निकल करके गई हैं, जो ये सारा काम नीतीश कुमार जी ने 17 साल में किया, उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। और आज हम भीम चौपाल पूरे बिहार में पार्टी ने कार्यक्रम किया और यही सब बात के बीच में लिख करके जा रहे हैं। नहीं सर, मेरा सवाल तो सरकार की योजना है, सरकार उससे कैसे लड़ाई लड़ से इस चीज को, चाहे किसी भी फोरम में, अभी तो पूरा जितने विपक्ष के लोग हैं उनको ये प्लेटफॉर्म पे दिल्ली में जाके सबसे बात करते हैं। अभी समाधान यात्रा पर पूरा बिहार में किसी बात को लेकर डेवलपमेंट लिखा और ये दिखा, और ये जो भीम चौपाल है ये गांधी और अम्बेडकर राज देश का जो लाना हुआ वो किसी तरह से उसकी क्षति नहीं, उसी का प्रयास है। आज का जो कार्यक्रम है क्या कहेंगे आयोजक के लिए? आज का कार्यक्रम जनता दल यूनाइटेड का ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसमें खास करके वंचित वर्ग है, इसलिए भीम चौपाल लगाया गया। इसके लिए जो सरकार ने काम किया उन सब बातों को हम उसका सप्रसा उसका बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। मैं पहले ही कहा कि नहीं था रिजर्वेशन, इतनी बड़ी संख्या में सभी कास्ट कम्युनिटी के लोग या पंचायत समिति जिला परिषद वार्ड सदस्य बन के आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी का आरक्षण करने या उनके पढ़ाई के लिए हर एक जिला में
छात्रावास बनाया जा रहा है, बनाया गया। अभी समाधान यात्रा में बहुत सारा छात्रावास को मुख्यमंत्री ले के आया, या उनके लिए उनके शिक्षा के लिए जो काम किया जा रहा है, या उनके सर्विस में जो उनको सुविधा, ये सारी बात को लेकर के हम लोग उनके बीच में भी जा रहे हैं। ठीक है, इधर घुमा लीजिए। किताब में मात्र एक गड़बड़ी रही कि वो प्रचार में कभी भरोसा नहीं किए, वो काम में भरोसा किए। ये पहली बार हमारी पार्टी ने अपने कामों को चौपाल के माध्यम से बताने का प्रयास किया। जितनी काम है कि हमारी नेता ने किया था, आप सोच भी सकते थे। सो छोटी सी बात ले लीजिए, जल नल योजना, कभी इस समाज के लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता था, नीतीश कुमार ने घर घर पहुंचा दिया। ये साधारण बात है क्या? पानी आता रहा घर। एक मिनट, राजनीति नहीं कीजिए, अभी इसमें मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। तो उनकी ये सोच जो है वो कितनी जबरदस्त है, और जो प्रश्न इन्होंने कर दिया कि पानी नहीं पहुंचा है, या अगर कहीं गड़बड़ी है तो पंचायत लेवल पर गड़बड़ी है, पंचायत प्रतिनिधियों ने किया है, नीतीश कुमार जी का गड़बड़ी नहीं है। नीतीश कुमार की वो सोच थी जिसके कारण वह कि पानी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए के लिए बराबर विवाद होता आता था, उसको उन्होंने घर तक पहुंचा दिया। सर, जो आप कह रहे शराबबंदी की बात मैं कहता हूं आपको, नीतीश बाबू ने 5,000 करोड़ रुपए का दरकिनार कर दिया, और वो आपको कहा कि शराब मत पीजिए, आप पीने के लिए तड़पड़ाए हुए हैं, गंदी शराब पीने के लिए जो कहीं कहीं से लोग ले आते हैं। कुछ लोग तो आप डाटा देखे हैं, 98% महिलाओं ने इसके पक्ष में वोट दिया है, 92% वोट पुरुषों ने इसके पक्ष में अपना विचार व्यक्त किया है, यह है डाटा। तो मात्र 8% लोगों ने गड़बड़ी कर रहा है, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। नीतीश कुमार है, सब कुछ मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को यह फरमान दिया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया, संविधान बना करके भारत के जो वंचित समाज थे उन्हें अधिकार देने का काम किया, इस वंचित समाज को जिस तरह आज केंद्र की सरकार ठग रही है, हम आज इस भीम चौपाल के माध्यम से, इस भीम संवाद में हम केंद्र सरकार की जो दोहरी नीति है, एक तरफ वो हिंदू हिंदू का नारा देकर के हिंदुस्तान में जो गंगा जमुनी तहजीब है, इस तहजीब को वो तोड़ना चाहते हैं, भाई भाई में आदमी आदमी में नफरत फैला करके इस हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। इस देश की जो संपत्ति हमारे पुरखों ने जो काफ़ी लगन और मेहनत से, हजारों साल की मेहनत से इस देश को बनाया, सींचा संवारा, हमारे देश की अमूल्य धरोहर को, अमूल्य संपत्तियों को आज केंद्र की सरकार बेच रही है। इन सारी बातों को हम लोग आज जनता दल के साथी, हमारे पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता, हमारे दलित और वंचित समाज के जो आज हजारों की संख्या में हमारे साथी आए हैं, आज हम लोग इस भीम संवाद में बैठ करके हम अपने नीतीश कुमार जी ने जो पिछले 17-18 वर्षों से जो उन्होंने बिहार का विकास किया है, आज हम उस विकास की चर्चा करेंगे, और एक दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बैठ करके हिंदुस्तान का विनाश कर रही है, हम उससे भी हम अपने लोगों को, बिहार की जनता को, दरभंगा के जनता को, वंचित समाज को, सबको हम लोग समझाने का काम आज चौपाल के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। उनको लोग भाग लिए आज आज के कार्यक्रम में हमारे पार्टी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार दसई चौधरी जी, पार्टी के नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रमेश ऋषिदेव जी, पार्टी के हमारे नेता राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी द्वारा, माननीय विधायक अजय कुमार चौधरी, माननीय विधायक बाबा साहब भीमराव के इतिहासों को हम लोग आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं, जो हमारे पूर्वज ने किए हैं उसके बारे में हम लोगों ने बतलाने का काम किया है यहाँ पे। और हायाघाट विधानसभा, खास करके हमारे जिला परिषद क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ भाग लेने का काम। किस चीज पर चर्चा कर रहे हैं आप लोग? चर्चा हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर चर्चा कर रहे हैं, जो हम लोग के साथ पार्टी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है
जो हम लोगों ने 2005 से अभी तक किए हैं उस पर विशेष करके चर्चा किए हैं। बहुत सारी योजना है जो हम लोगों ने यहाँ पे करने का काम किए और लोगों को बताने का काम किया। क्या नाम हुआ? कमलेश मंडल, जिला परिषद प्रतिनिधि, 8x2 बहेरी, सब प्रदेश महासचिव विभाजित दरभंगा। देखिए, ये जो बाबा साहब का जो ये चौपाल है, जो भीम चौपाल आयोजन किया गया है, ये बाबा साहब द्वारा किए गए संविधान के कार्यों को समस्त क्योंकि वासी समस्त जदयू कार्यकर्ता जो है सो मान के चलते हैं, उनके पद कर्मों पर चल रहे हैं, उनके दिशा निर्देशों पर चल रहे हैं, तथा हम लोग जो नीतीश कुमार जी ने 17 सालों तक बिहार सरकार में न्याय का काज किया, बिहार के लोगों के साथ न्याय किया है, उसको हम लोग घर घर बताने का काम कर रहे हैं। माननीय हमारे मंत्री, जल संसाधन मंत्री संजय झा जी आए हुए हैं, जो कि एक मजबूत नेता के रूप में मिथिलांचल का उभरे हैं। उन्होंने घर घर जाकर ये बताया है कि सामाजिक न्याय की बात। जाले के लिए हम लोग क्या कहेंगे, जाले के लिए हमारे मुख्यमंत्री का जो उद्देश्य है उसको भीम संवाद हो, भीम चौपाल लगा करके हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर पंचायत टोला में हम लोग इसका जो है प्रचार करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। यही हम लोकसभा चुनाव के लिए क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव में हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं और पूरी जो तो जनता एकजुट है। हम लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री जो अभी हैं उनको प्रधानमंत्री के ऊपर हम लोग भेजेंगे, दिल्ली के तक पर उनको हम लोग भेजने का प्रयास करेंगे। उसी का तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वली मामबेग चमचम हुआ, जिला अध्यक्ष जनता दल यू श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ।